हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम बहुत अच्छे हैं। तो आप सबका स्वागत है आप साना कुकिंग विद ब्लॉग्स में। तो आज है, अभी बज रहे 6 और मैं 5 ही बजे उठ गई थी। मेरे को करने थे थोड़े घर के काम और पानी भी भरना थे, कपड़े भी बहुत सारे थे। तो सब कुछ हो गया और क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है इसी वाले रूम में, तो अभी फ़िलहाल हो गया और मैं जा रही हूँ आज से मॉर्निंग वॉक के स्टार्ट कर रही हूँ। और कल से या इंशाल्लाह जब भी इसे डाइट करना स्टार्ट करूँगी तो आप लोग से ज़रूर मैं पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी मैं अपना वॉच पहन लेती हूँ और मैं जा रही हूँ स्टार्ट में। तो बोल रही हूँ आप लोग से कि आज मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो अभी वहाँ पे अभी डाइट में मेरे को क्या क्या लगने वाला है, क्योंकि डिटेल में शेयर करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें लगेगी, वो चीज़ें लगेगी। तो वही सब मैं लेने जा रही हूँ, अपना वॉच पहन लूँ। कम से कम आधा घंटा वॉक करके आऊँगी और आके फिर थोड़ा सो जाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे, छुट्टी का टाइम है तो उठना भी नहीं है। और अयान के लिए अरबी का भी बात करना है, तो मैं साथ साथ में वॉक करके उधर से अरबी का बात करके फिर आ जाऊँगी और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो आज भी अगर आज ही से मैंने डाइट स्टार्ट की तो आज से भी थोड़ा थोड़ा मैं शेयर कर दूँगी। अगर नहीं की, कल से किया, कभी से भी, तभी से स्टार्ट करूँगी। जब से स्टार्ट करूँगी तब से आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो चलो अभी बस अभी चलते हैं वॉक पे। सुबह बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम भी प्यारा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। तो मॉर्निंग वॉक पे आना चाहिए, सोची मैंने कि जाना है तो मुझे जाना है, कि बहुत हो गया। और प्लस रमज़ान था तो नहीं होता था, अभी रमज़ान तो ख़त्म हो चुका। तो अभी मैं सोची अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, तो वॉक कर रही हूँ और हम आराम से सोते रहते। जिसको अपनी हेल्थ की फिक्र रहती है वही उठता है। तो मैं भी यहाँ पहुँच गई, वॉक करके फिर जाऊँगी। वॉक हो चुका, मैंने आज आधा घंटा ये वॉक करी, ताकि मैं ज़्यादा वॉक नहीं करी कि थक ना जाऊँ फिर, क्योंकि बहुत दिनों से वॉक नहीं की तो आदत छूट गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से स्टार्ट की तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। आज आधा घंटा करती, कल पौना घंटा करूँगी। और घर पर जाते जाते पौना घंटा हो जाएगा तो बस थक गई। ये देखिए पूरा पसीना पसीना, मैंने सारे पसीने पोछ ली थी। तो आप भी स्टार्ट कीजिए वॉक, और आज से या कभी से भी मैंने डाइट लिए पूरा अच्छे तरीके से, मैं आप लोगों को पूरा एक मंथ का मैं चैलेंज करके और डाइट ज़रूर मैं फॉलो करूँगी, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी घर को चलती हूँ। पहुँच गई हूँ, अभी यहाँ पर रखा है पानी का बॉटल, अभी जा रही हूँ पानी भर के फिर थोड़ा सोती हूँ। और बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो पानी भर के फिर सोती हूँ, क्योंकि अभी उठ के मेरे को मतलब ही नहीं है। अभी कल से मैं टाइम टेबल बनाऊंगी अपना जल्दी सोने का, फिर जल्दी उठूंगी। तो चलिए अभी पानी भर लेती हूँ, फिर थोड़ा सो जाऊंगी, फिर सो के उठती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जब तक तो सुबह हो गई, मतलब अभी बज रहे 10 बज गए, उठ गई मैंने अभी। और यहाँ पर मोबाइल बंद करो, और मैं यहाँ पे नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा ताकि कुछ कर ना सके। आज ब्लॉगिंग तो करने स्टार्ट कर दी, कल तो कुछ ब्लॉगिंग नहीं करी, सिर्फ एक रेसिपी शूट करी। तो यहाँ पे ये आवाज़ के चक्कर में, और ये आवाज़ अभी भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ बन रहा है हमने प्याज और टमाटर, बेसन, अभी जीरा, हल्दी, नमक डालूंगी, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो चुका अभी, और हस्बैंड और बच्चे सब लोग मिलके नाश्ता कर लिए थे। इतना गंदगी मचा के रखे थे, और सूट इसलिए नहीं क्योंकि ससुर जी भी आ गए थे, तो वो भी नाश्ता करने लगे थे, तो मैंने नहीं सूट करी। नहीं तो बोलते बस मोबाइल उठाना शुरू हो गया, आप लोगों को मैं बताई थी, वो बोलते बस तुम मोबाइल उठाते। और जो दिन मैंने कपड़ा धो के फैलाई थी, सारे सब सूख गए हैं यहाँ पर। और अयान को अंदर यहाँ से मैं चढ़ नहीं सकती, तो अयान को बोली हूँ, अयान अभी निकाल के दे रहा है। सारा कपड़ा भी घड़ी करके रख देती हूँ, जितना सब कुछ है सेटअप कर देती हूँ, और दूसरा कपड़ा धोई हूँ,
वो सब फैला देते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा ले रही हूँ, अब जा रही हूँ सारे कपड़े फैलाऊंगी। और वो इधर से स्माइल कर रहा है क्या हुआ गर्ल? नाश्ता करके यहाँ पे आ गए क्यूट गर्ल, एक क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल। कपड़े देखो कितना गंदा, के किसन नाश्ता करे हो, नाउ नाउ करना बोलेगा लिबा बलिए ढकेलती है लड़की। नाउ नाउ करोगी? चलो नाउ नाउ कर लो, ये शाबाश, उठ जाओ। और यहाँ पे मैंने कपड़े लेकर आ गई, अब मैं सब घड़ी करती हूँ। और ये सब पहले रख दो, आधा इसमें से कपड़े सूखे, आधा सूखे भी नहीं है। और जो सब सूख जाएंगे तब सब एक साथ में सब रखना पड़ेगा, नहीं तो सेट मिलेगा नहीं, फिर एक इधर एक उधर। और ये वाला रीदा का कपड़ा देखिए, ये भी सूखे कितना प्यारा लग रहा है। रीदा बोलती है अभी ये पहनने के लिए, ये देखिए कैमरे में ना इतना खूबसूरत नहीं लग रहा ना, सच में ये बहुत खूबसूरत है, ये कपड़ा चमक रहा है ऐसा। हाँ मम्मी ये मेला कपड़ा, ये मेला कपड़ा है। नहीं नहीं मेला है, दो मेरे को, दो मैं लूं। क्या करोगी? पहनोगी? अभी बाद में पहनना, हाँ ठीक है, अभी दूसरा कोई त्योहार आएगा तब पहना दूंगी। ओके ओके, बाबा के साथ गांव जाओगी ना तो इधर ही शादी में पहन लेना, ठीक है। चल के क्यूट डैडी ने नहला दिया, क्यूट लड़की नहा ली, मेरे को कपड़ा भी नहीं घड़क करी। मैं बोली जो थोड़ा बचा वो भी सूख जाए जब तक मैं करती हूँ। और इतने देर में मेरी क्यूट गर्ल नहा ली, क्योंकि इनके क्यूट डैडी ने नहला दिया इनको। नहा लिया आप? सोओगे? सोओगे कि जागोगे बोलो? दागूंगी दागूंगी दागूंगी। ली 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 ली। कितना तीता है तुम्हारे, दिखाओ, ओपन योर माउथ। हाँ बेटा मोबाइल, ओपन योर माउथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 12, ये देखो इसको माल 12 है। अरे बोला बेटा तुम कितने क्यूट हो। बोलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? आप कैसे हो? ये मिला गुद्दा। बोलो मैं ना ली। पर रिदा रेडी हो गई और रिदा की चोटी भी बन गई। चोटी दिखा दो रिदा, ये देखिए चोटी भी बन गई। हो गया देख के हो गया। ये देखिए अभी मेरी रिदा रेडी हो गई, अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद में आप लोग से मिलूंगी। इन रेडी हो गई, इन खा पी ली तो सब टेंशन खत्म। मैं दाऊं? नहीं दाओ, कहाँ दाओगी, कहाँ दाओगी? हाँ ये क्या है, क्या है, बला है। और देखिए ना हम लोग सो के उठे, बिस्तर भी नहीं उठाए हैं, और अभी तक यही सब कामों में लगी हूँ मैं। इनको रेडी हो गई, इन नहा ली, बस टेंशन खत्म, बस आया नहा ले फ्रेश हो जाए। सुबह सुबह भी सारा काम 12 बजे तक फिनिश हो जाए। सुबह सुबह काम हो जाते तो पूरे दिन टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा मोबाइल का एडिटिंग करना है, वो करके मैं फिर कपड़े घड़ी करती हूँ जब तक बाकी के भी कपड़े सूख जाएंगे। हस्बैंड जी को जाने नहीं दे रही काम पर, बोल रही है कि क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए दीदी? अरे क्या चाहिए भाई बताओ, क्या चाहिए? जाने दो, अभी अभी अब्बू चॉकलेट लेके आएंगे, जाने दो रिदा, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, नहीं जाएगा मैं, मम्मी तो बंद नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? घर में इतना गंदा बच्चा होगा, देख लो ये कैसा रो रही है, इतना परेशान कर रही है। देखो मेरे नए वाले कपड़े में मत करो, उसको भी रखना खड़ी करके। बच चुका है 2 और हस्बैंड जी चले गए हैं काम पर, मतलब वो चले गए 12 बजे तक चले गए, आज लेट गए। और मेरा सब हम लोग लंच कर लिए, अब मैं अपने कामों पे लग गई। ये देखो ये सब ड्रॉअर और में कैसे है। हस्बैंड जी ने बोला सब कुछ सेटअप कर दो, ये बच्चे ना सब कुछ बिगाड़ दिए। तो अभी मेरा काम स्टार्ट है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ पहले। लंच आज कुछ भी नहीं बनाई, कल रात का वही अंडा पुलाव जो बनाई थी उसमें से
अंडा तो नहीं, लेकिन जो चावल था वो मैं और मेरे बच्चे खा लिया। हस्बैंड अभी नहीं खाएंगे खाना दिन में। और कंडेंस मिल्क जो मैंने लेके आई थी उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के। हाँ बेटा, हाँ तो कंडेंस मिल्क जो बचा था तो उसमें से थोड़ा दो तीन चम्मच उठा के मैंने खा ली। और अभी कामों में लग गई हूँ और आयान आ गया देखने के लिए। अभी जो इसमें जब थोड़ी एंटीक चीज़ें रखी रहती थी, देखो ये हस्बैंड ने अपने मतलब गाड़ी का ये मोबाइल भी है और प्लस ये चाबी भी है। अब ये आयान क्या करता है मालूम है, जो एंटीक चीज़ें दिखती है ना वो उठा के बस उसके में मस्ती में लगे रहेगा। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मोबाइल भी है और प्लस गाड़ी की चाबी भी है, तो ये इसी के साथ में मस्ती करते रहता है। और अभी सब पोछ के मुझे सब साफ करना है। आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितनी गंदगी करके रखे। अभी हर तीन चार दिन पे आके ये साफ होता है। मेरे को निकाल के सब कुछ साफ करना है, निकालना पड़ेगा। दवा है तो क्या, कचड़ा, स्क्रू ड्राइवर, ये हमारे एसी मैकेनिक साहब का सब रखा है, ये सब चार्जर, ये सब, और इसमें सब मैंने दवा भर के रखी इधर, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर रखो, फिर इधर आ जाएगा। ये बच्चों के खिलौने, ये मेरे झमेले, सब मैं रख के फिर मिलती हूँ। ये मैंने सब पसारा हटा चुकी हूँ, ये भी एक रख दी, ये भी हटा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सब कुछ अपना मेकअप का सामान सेटअप कर दिया। ये मेरे एक दो जो बाल के जोड़े हैं ये रख दी, मेरा वॉच रख दी। और यहाँ पे मैं इन लोग का सामान यहाँ रखूँगी तो इन लोग पसारा करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा के रखे, तो मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दी। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर में इन लोग का एक झबिया हो, झबिया में सारा सेटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे आयान लगा हुआ है, सब भर रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी सब दबे बिबे जितने भी बच्चों का सब निकाल कर, सब काम करते करते बच गए अभी 3। और अभी सब कुछ खाना वाना लंच हो गया, बस अभी नीचे का लादी बचा है, बाकी सारा काम हो चुका। मैंने सोची थी आज मैं वो बना लूँगी डाइट स्टार्ट करने का। हस्बैंड जी बोल रहे 1 तारीख से करो, मतलब मैं 30 तारीख से स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोग को 1 तारीख की मेरी वो वीडियो पहुँच जाए। तो अभी नहीं स्टार्ट करी, तो हस्बैंड बोल रहे कि रहने दो अभी मत करो, और क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ना सही नहीं हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो अभी पूरा ऑयल ऑयल लगाई सर में, मेरा सर दुख रहा है, तो बोले अभी मत करना नहीं तो फिर तबीयत खराब होएगा। क्योंकि अभी उसमें क्या एनर्जी थोड़ा मतलब लो हो जाती है, डाइट करो तो मतलब पहले अच्छे से ठीक हो जाऊँ तो फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँ। तो अभी हस्बैंड जी ने ऐसे मतलब मना किया है कि अभी मत करो 2-3 दिन, अभी तुम जैसे रेगुलर अपना खाती हो घर का खाना वैसा खाओ, फिर डाइट में भी वही रेगुलर खाना रहेगा बट पोषण कम हो जाएगा। कहाँ इतना खाते, कहाँ इतना सा खाना होगा, कहाँ इतना खाते, इतना पीते, इतना मैदा बिल्कुल नहीं, शुगर बिल्कुल नहीं, ये सबको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए सब बिस्तर उस्तर सब क्लीन हो गया, मैंने कपड़े सब सेटअप कर दिए। हाँ, कपड़े एकदम अच्छे से ऊपर नहीं रखे अभी कपड़े, क्योंकि अभी कुछ कपड़े सूखे, कुछ कपड़े जो नहीं सूखे हैं वो सूख जाएंगे, फिर मैं रखूँगी। और मैं फ़ैन चालू कर देती हूँ। और ये भी यहाँ पे भी सब कुछ सेटअप कर दी, इसमें सब कुछ भर दी हूँ। और ये मेरा मेकअप का इधर कर दूँ ताकि मेरे को इधर से निकाल के, और इधर कबाड़ के बाद आना है तो इसमें लगाना इजी पड़े। और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग से अगर कुछ भी हुआ आगे तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाती हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम के बज गए 5, फ्रेश हो गई हूँ और सब घर वर सब कुछ क्लीन हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर में दर्द था, मैं आप लोग को बताई थी कि ऑयल लगाई हूँ, तो जब नहाने के बाद एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है, एकदम चेहरे को एकदम मतलब क्लीन क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश हो गई। और मैं अपना घर भी क्लीन कर दी तो उससे भी मुझे थोड़ा फ्रेशनेस फील हो रही है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ईद में लगाई थी आई लव कुकिंग, तो मैंने यहाँ पे वापस से ये लगा दी, इसको धो के सुखा दी थी। और लेकिन ये ना सही है, लेकिन कैसा, जिधर बच्चे ना हो, जिधर ज़्यादा कुकिंग नहीं होते, बस सजा दो बस उतने के लिए अच्छा, रेगुलर यूज़ के लिए ये नहीं ठीक है, तो हमारे लिए नहीं ठीक है ये। लेकिन बाकी लोगों के लिए जिनके घर में रेगुलर किचन में यूज़ नहीं होता, बस टाइम पास के लिए किचन में आए, बस उस लिए ये है, 100 पीस के लिए है, बट अच्छा लग रहा है, लगा दो। लेकिन हर दो एक दिन में, एक दिन ही रख सकते हैं इसको, दूसरे दिन इसको धो के सुखा के वापस फिर लगा सकते हैं ऐसा। और ये देखिए मेरा पूरा फ्लोर सब कुछ क्लीन हो गया, सब कुछ, तब एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है जब सब कुछ क्लीन हो जाता है। और गद्दे देखिए बच्चे किस तरीके से घान कर दिए, टावल आया नहा के यहीं पे छोड़ दिए ना, और
आयान भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया। अब मैं आप लोग को अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा वो वही वाला लुक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा पहनी है, लॉन्ग कुर्ती पहनी और इसके नीचे एक रेड कलर का ऐसा पैंट पहन ली हूँ और ये रेड कलर का दुपट्टा। और रीदा यहाँ पर बैठी है, मैं जब बता रही हूँ तो रीदा देख रही है यहाँ पर। कहाँ कर लो बच्चे नहीं नहाए। और यहाँ पे वो आयान के जो दो जीन्स और मेरे वो ईद का कपड़ा जो है वो अच्छे से मतलब सूखा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रख दी। पंखे से थोड़ा सूख जाएगा क्योंकि वहाँ दूसरे कपड़े मैंने फैला दी हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और फिर अब चलिए अभी जो हो गए ब्लॉग में। तो मैं सो ही नहीं, मैं बोली सोऊंगी तो सर भी दुखेगा और ब्लॉग भी रह जाएगा, तो मैंने इसलिए नहा वहाँ के। उठाओ मम्मी आओ, रीदा बोलने नहीं देती है। आ जाओ आ जाओ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना हल्का ना लिपस्टिक लगा ली हूँ ना, तो उसको लग रहा है मम्मी किधर जा रही है। मैं किधर नहीं जा रही हूँ मेरा जान, अभी चलेंगे, मैं किधर नहीं जा रही हूँ वाला। रीदा अभी रीदा ना मैंने ये देखो 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 ये क्या है, मसाज करने वाला है मेकअप। बोलियो बोलिए, अभी मैं नहीं देख रही थी, कैमरा नहीं चालू था ना, तो मस्त मैं देखो ये देखो देखो बोलना पड़ी नहीं रहा। ये देखो ये देखिए, इसमें क्रीम लगा लो फिर ऐसा ऐसा मसाज करो, ठीक है। बोलो कौन सा क्रीम लगाओ मम्मी, बोलो बोलो। देख लो बच्चे, आजकल के बच्चों को सिखाना पड़ता ही नहीं है। मैंने कभी वो यूज नहीं करी, ये मेरे हस्बैंड ना कहीं पे ब्यूटी मतलब उसमें मतलब काम किए हुए थे, तो वहाँ पे मतलब बाहर से वो कोई मैडम है उनकी, उन्होंने दी थी तो तीन चार दिए थे तो टूट गया है, एक ये बचा है। तो मैंने कभी नहीं मतलब ये यूज़ करी ना मैंने खरीद के, तो मेरे बच्चों को मतलब पता है कि कहाँ पे ऐसे ऐसे तो रोल रोल हो रहा है ना इधर गाल पे, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, अजान हो रही है। जा रही थोड़ा नीचे घुमा कर लेकर आती हूँ, बोर हो जाते बच्चे। और फिर थोड़ा हम लोग पानी पूरी अगर देखते वहाँ पे लगाया होगा आसपास कहीं तो खा कर आएंगे, तो थोड़ा पैसा लेना पड़ेगा ना। चलो पैसा ले लेती हूँ। रीदा और अयान को देखो घर से यहीं भाग के आए, यहीं नीचे खेल रहे हैं, इनको नीचे खेलना है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं ना, तो देखो गाड़ी आ गई यहाँ पर। आ मेला मेला प्लेट दे रहे अंकल, दे रहे रुक जाओ। ये भाग के आइए घर से उतर के पानी पूरी खाने के मारे, पानी पूरी गोश्त मांग रही है सच में। एक बोल रही मम्मी गोश्त बनाओ आज ना, किसी को देख ली थी ऊपर बिरयानी खाते हुए ना, उसको गोश्त मैंने सिंपल सा ना लिपस्टिक और एक काजल लगा ली थी, तो मैं खुद को ही बार बार देख रही हूँ, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, कैमरे में भी शीशे में भी सब में मैं प्यारी लग रही हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठाट। करेला लाई थी तो मैं सोच रही करेले की सब्जी बना दूं, करेला इसलिए कल ही मेरा देवर लेके आया था, तो फिर उसके बाद में मैं बनाई नहीं थी कल, तो कल वो बना दी थी, दही वड़ा बनाई थी और वो अंडा पुलाव थोड़ा बना दी थी, तो आज ये करेले की सब्जी। रिजर्व चिकन चिकन बोल रही थी, लेकिन चिकन चिकन तो मैंने चिकन बनाई नहीं, चिकन चिकन मैं भी बोल रही, तो मैंने चिकन बनाई नहीं, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ करेले की सब्जी बना देती हूँ, यही खा लेंगे। परसों है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन मैं बनाती हूँ फिर चिकन। ये मार भतवार, ये मैं करेला अभी आप लोगों ने देखे होंगे मैंने शूट की हूँ वहाँ पे, मेरा देवर आ चुका था तो आया था इसलिए क्योंकि बोल रहा था कि भाभी चिकन बना दें और हम लोग को लेट हो जाएगा काम पे, तो गया है चिकन लाने के लिए। बोले चावल तुम लोग बना लेना, मैं सिर्फ चिकन बना के दूंगी, ऊपर बहुत सारा चावल बनाना पड़ेगा, तो मैं बोली तुम ऊपर चावल बना लेना। अब ये करेले की सब्जियाँ दिल में सच में मेरी बेटी दिल से चाहती थी कि चिकन वो खाए, क्योंकि वो चिकन मांग रही थी। चलो तो ठीक है कोई ना, अल्लाह तआला ऊपर बैठा है, कभी ना कभी हो जाता, मतलब अल्लाह सुन लेता सच्ची दिल की बातें कभी भी सुच। और मेरी तो अक्सर करके अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, या परवरदिगार आलम या मौला या पर रब्बुल आलमीन, हमेशा ऐसी मेरी दुआ कबूल हो। कभी भी मैं कोई चीज़ दिल से चाहती हूँ ना तो वो हो जाता है, बस एक चीज़ की और अरमान है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो मैं अभी करेले काट लेती हूँ और काट के फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह बना लूँगी।
या जब भी बनाऊंगी आपको बता दूंगी। तो अभी चिकन बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने इस इतना काट भी दी थी, अब ये इतना छील दी हूँ और यहाँ तीन और बचा है, ये तीनों को मैं छील के और फिर कटिंग करके रख देती हूँ। आयान आ चुका लेकर, ये चावल लेके जा बेटा ऊपर ही, देखिए आप कितना किलो दिया चाचा, चाचा ने बताया नहीं बताया, तो ये चावल देखिए और ऊपर बाबा होंगे ना बोलना ये चावल चढ़ा दो वो बाबा वाले रफीकुद्दीन बाबा। और यहाँ पे चिकन आ चुका है तो मैं इसको सबसे पहले भिगो देती हूँ, नहीं है हाँ तो उधर ऊपर रख दे अपना आएंगे बनाएंगे। मेरा सालन हो चुका, बस थोड़ा सा बचा, बहुत टाइम लग गया बनाने के चक्कर में थोड़ा सा बचा। और यहाँ पे मैंने राइस बना ली हूँ और गैस बंद कर देती हूँ, ये थोड़ा सा और पकेगा। और रीदा को दिखाऊँ, रीदा क्या करी अब जब भी की सोई, 10 बजने वाला अभी तक बंदी उठी नहीं, एक डुनुआ उड़ जा दिन अभी मैं जगा के गई, ये देखो अब रात में नींद नहीं आएगी आपको ना, रात भी नींद नहीं आएगी आपको ना, रात भी नींद नहीं आएगी ना आपको। नौ बज गए और तुम पता, चलो चलो खाना खाओ, खाना खाओगी, खाना खाओगी। हमारा हो गया है डिनर टाइम और हम करने जा रहे हैं डिनर, और यहाँ पे रीदा बैठ चुकी है, आयान भी बैठा और हमारी प्लेटिंग, और हम खा लेते हैं। और हस्बैंड जी तो अभी पता नहीं कब आएंगे, 10:30 बजने वाला है, तो हम पहले सोच रहे हैं हम खा वाले खाना, वो आएंगे जब खा लेंगे। और ऐसे भी आज लेट हो गया है, और वहाँ पे चिकन अभी वहाँ पे अभी कढ़ाई रखी हुई है, ये देखिए अभी कोई भी आएगा ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ पे हम अपना डिनर करने जा रहे हैं। चलो डिनर कर लेते फिर मिलते हैं। तो गाइस हस्बैंड नहीं आने वाले हैं और उनको लगेगा टाइम, मेरे को अभी मैसेज किए कि मेरे को 2-3 बज जाएगा मैं नहीं आ पाऊँगा, वो कहीं मतलब वैसे ही विरार साइड काम करने गए हुए हैं, तो वो बोले कि मतलब आउटसाइड में आप लोग खाना खा के सो जाओ, मेरे को टाइम लगेगा, तो बच्चे ऊपर है अपने दादा के पास जाती हूँ लेकर आती हूँ, देखती हूँ अगर उन लोग आते तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर क्या कर सकते, थोड़ा उन लोग के साथ भी बैठे, मैं अंदर थी उन लोग ऊपर थे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पैन करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और बस यही कहना चाहती हूँ, लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिए।